एक मिनट, ऐसे कभी नहीं करना, दूसरों की गाड़ियां पंचर हो जाती हैं। क्योंकि हम सोहेल जी के ड्राइवर हैं तो अच्छे काम तो करेंगे, जोरदार तालियां हो जाए मेरे मालिक के लिए। अर्चना जी, आप तो मेरे को जानती हैं क्योंकि आपके हमेशा मुझे फोन आते रहते हैं, मेरे पास आ जाओ मेरे पास आ जाओ। लेकिन हमारी मजबूरियां हैं क्योंकि हम तनख्वाह लेके काम करते हैं, फ्री में काम करते नहीं है, इसे थोड़ी मजबूरी हो जाती है। खुशी इस बात की है कि मेरे मालिक सोहेल साहब जैसा मालिक इस दुनिया में नहीं है। जोरदार तालियां हो जाए। Something coming. नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूं। मैं चाहे शराबी की गाड़ी चलाऊं, चाहे मैं गाने लगा के चलाऊं, चाहे मैं ऐसी लड़कियां देखूं, ये बिल्कुल मेरे को कुछ नहीं बोलते। पता क्यों? क्योंकि सोया हुआ बंदा थोड़ी बोलेगा, साथ में सोते रहते, अपनी चलाते रहो। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, ऐसा बंदा दुनिया में कहीं नहीं है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बंदा नहीं है। जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, 10 कुत्ते रखे इन्होंने, इतना प्यार। बिरयानी बनाते हैं, पतीला उसके सामने रख देते हैं, अगर बच गई तो कॉमेडी सर्कस में देंगे, वरना सब उसे आएंगे। ये होता है प्यार। ऐसे ड्राइवर बड़े होते हैं, एक इनका ड्राइवर है, अभी अभी तक आया नहीं, आता तो फिर आपको मिलाता हूं। नहीं 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 उठो 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 उठो। पता क्या है, बहुत बुजुर्ग है। हाँ, इनके बाल ना देखो, बीच बीच में काले, पहले इनके बाल सफेद हो गए थे, फिर काले हो गए, ये अब तीसरा जन्म है इनका। अब जो सफेद बाल देख रहे हो, खड़े हो जाओ। वाह 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 वाह, नहीं करनी मेरे से, बुढ़ा नहीं हूं मैं, 200 साल छोटा हूँ सिर्फ अपनी मालकिन से। अच्छा, तो 300 साल के हो गए फिर। वाह 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 वाह, कमाल है, मजा आ गया मजा आ गया। अच्छा सुनो, अर्चना का ड्राइवर अभी तक नहीं आया, हम दोनों आ गए, यार ये चक्कर क्या है? How are you यार? ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं अर्चना का ड्राइवर होकर सोहेल का ड्राइवर होकर किस क्यों कर रहा हूँ, जब हमारे मालिक लोग शो पे खुल्लम खुल्ला ये सब कर सकते हैं, तो हम लोग ये पीछे क्यों नहीं कर सकते? तो यार ये तो क्या भी, इतना लेट कैसे हो गया? अरे यार क्या बताऊं यार, यार रस्ते में ट्रैफिक है ना, बिल्कुल नहीं था। वो तो पागल है यार, अर्चना के साथ रह रहे के तू भी हो गया है? अरे नहीं, प्रॉब्लम पता क्या होगी, हमारी जो मालकिन है वो पेट्रोल तो भराती नहीं, ट्रैफिक में गाड़ी ऐसे खड़ी रहती है, फिर पीछे से गाड़ी ऐसे लगती है तो धीरे धीरे आगे चलती। इस बार प्रॉब्लम क्या हो गई, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, गाड़ी खुद ही ऐसी खड़ी रही, कोई गाड़ी नहीं थी पीछे, फिर मैडम उतरी गाड़ी से, मैडम ने पीछे कैसे किया, ट्विंग करके से गाड़ी घूम के इधर। खैर मैं तो कह रहा हूँ उसमें बढ़िया सा काम हो तो बताओ यार मेरे को। यार अर्चना जी को छोड़ के तू काम ढूंढ रहा है? नहीं नहीं, छोड़ नहीं रहा, उन्हीं के लिए काम ढूंढ रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा है, बाकी टाइम फ्री रहती ना कॉमेडी सर्कस के बाद वो। खैर और बताओ यार, आपके मालिक सोहेल भाई का क्या हालचाल है भाई? ओ यार उनकी तो आजकल चांदी चांदी है। यार बात तो सही है, तेरे को वही चांदी लगती है। एक्चुअली क्या है, कॉमेडी सर्कस से उनको पैसे वैसे मिलती नहीं। अच्छा, उनके पास इतना सोना इतनी चांदी, सोना तो क्या अब चांदी चांदी है। ये बैठे हुए क्या हुआ, होते हैं कुछ घटिया पंच। वो तेरे को सही पंच नहीं आते, अच्छा पंच मारा कर। खैर कोई बात नहीं, तू बता यार अपनी मैडम। ओहो, उस बताने से पहले यार भैया पहले कुछ हो जाए। क्या बकवास कर रहे हो यार, अभी ये लोग शूटिंग करेंगे 6-6 बजे तक, कौन इनका वेट करेगा? आप भी खाइए पिताजी, थोड़े लड़ू। ये क्या यार, दारू के साथ संगाड़े? आहा मजा आ गया। मैं ना ऐसे नहीं पीता, चखना मिले को चखना, पता नहीं चखना किधर चला जाओ। चखना, एक मिनट, आज देखो श्रुति का ड्राइवर भी काम आता है, चखना मैं लाता हूँ। बच गया। ओ यार तुम लोग, मैडम तुम्हारी गाड़ी में बैठी थी ना कल, उन्होंने ही चुराया होगा आपकी गाड़ी से मैंने। ये लो। अबे ये पत्थर कहाँ से लेकर आ गया तू? अब क्या करें, मैडम के साथ रहते रहे चखने में पत्थर खाने की आदत होगी अपने को। क्या हुआ, कई घटिया पंच होते। खैर बात बताओ भाई, सोहेल भाई कौन सा ब्रांड लेते हैं? मैं सच्ची बताऊं, हाँ जब वो पीते ना मैं पास ही नहीं बैठता।
काय को ऐसा? वो पीले थे ना, पता नहीं फिर कैसी कैसी बातें करते हैं। एक दिन पी गए ना ऐसे, मैं भी पास बैठा था, हम कहाँ जाए मैं देख रहा था, मेरे को शुरू हो गए पी के। देवे मेरे भाई देखो कुछ चीजें कहानी पहुंची है, कुछ चीजें नहीं कहानी पहुंची। अच्छा सलमान की डेट नहीं मिल रही, तू हीरो बनेगा, मेरे को बोल रहे ये क्या है यार? अरे यार तेरा तो फिर भी एक क्लास है। हाँ? वो तो राजीव ठाकुर को बोल रहे थे हीरो बनेगा क्या मेरी पिक्चर में? वो मुझे पता है, पता क्या है, ये इनकम टैक्स का चक्कर होता है, वो शो करना होता है ना नुकसान कैसे हुआ पैसे का, इसलिए उसके साथ फिल्म बना रहे। ओहो अपने किया आई कार बुरा पंच था। हम करते खैर आप बताइए, आप इतनी बुड्ढी हो गई क्या बात है, मैडम ने आपको अभी तक रखा हुआ है? मैडम ने रखा हुआ है, रखा कुछ नहीं हुआ उसने। हाँ उसको मेरे बार बार दांत चाहिए होते इसलिए रखा। तेरी ओए होए क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, आपको कितनी बार का लाश को बिल्कुल नहीं मारते। आप दोनों बताओ आपको सैलरी कितनी मिलती है? ये सैलरी क्या होती है यार, ये क्या मुका है, अब बता यार इसको। हाँ सैलरी क्या होती है? वो तेरे को भी नहीं। इधर आओ, सैलरी होती है जैसे हम ड्राइवर लोग महीने भर काम करते हैं तो हमको महीने बाद पैसे मिलते हैं। अच्छा? हाँ हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वो अर्चना जी जो है ना, हाँ? वो जो दूसरों की गाड़ियों से पेट्रोल चुराती है उसका 20% ही देती है हमको। हाँ अभी पिछले हफ्ते कितना प्रॉब्लम हुआ मालूम, ऐसा पेट्रोल चुराया नहीं तो गैस हो गया पेट के अंदर। वो कैसे? अरे गलती से पेट्रोल वाली जो नली रहती ना, हाँ? उसकी जगह वो गैस का पूरा वो सिलेंडर पी गया था। अरे इतना प्रॉब्लम, इतना गैस हो गया, मडरलैंड में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ मालूम है तुम लोग को। हाँ अभी भी काले बादल छाए उधर। भाई हमारा तो चलो ठीक है, होता रहता है छोटा बड़ा। आप तो स्टार लोग के साथ रहते हो यार, सलमान भाई से बातचीत होती रहती कि नहीं? ये कौन है? तू सलमान को नहीं जानता? कौन है सलमान भाई? फिल्म में नहीं देखते क्या? भाई मैं देखो हम बाल बच्चेदार आदमी हैं, मैंने फिल्में कभी देखी, 5-6 फिल्में जिंदगी में देखी, वो भी मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, दबंग 1 दबंग 2 रेडी बॉडीगार्ड, बस वो भी मैंने इसलिए, वो लड़का मुझे बड़ा प्यारा लगता है और मेरे मालिक के घर पे रहता है। पागल है तू, वही सलमान खान है वो, ये नो ओ यार बड़ा प्यारा बंदा है यार। ये बड़ा हिलता रहता बुड्ढा भाई। ए भाई बता, ओए हेलो एक मिनट उठो, हेलो मैडम। ओए मैडम में ऐसी क्या खास बात है बे, हमारा तो ठीक है, क्या हो गया? चल रहा है किसी ने गाड़ी में बम रख दिया। अभी फिट कर देंगे। मेरे बम पे बम एक मिनट सर जी, अभी बाबा ठीक हो गया हो? अच्छा बाबा बताइए आपकी मैडम में ऐसी क्या खास बात है भाई? खास बात बेटे, हिटलर के पास गई थी, कहती मुझे छोटी करा लो चुपती बहुत है, उसी का आइडिया था वो। अच्छा तेरी मैडम इतनी पुरानी है? मेरे को आज भी याद है सन 1555 में जब वो पैदा हुई थी, डॉक्टरों ने आके बोला मुबारक को आपके यहाँ नाक पैदा हुई है। फिर उस नाक में से हाथ निकले पैर निकले श्रुति। देखो मैंने कितनी बार कहा है, जिसका नमक खाते वहां पे बेइज्जती नहीं कर दे, बेइज्जती करनी है तो कुत्ते लोगों की करो, जैसे कृष्णा का प्रोम देखते हो आप टीवी पे, कॉमेडी सर्कस देखते हो? हाँ ओए होए कृष्णा आई लाइक इट, मुझे बड़ा पसंद है, जब मैं उसको देखता हूँ ना, एक बार ड्राइवर बन के आया था। अच्छा बड़ा सुंदर लग रहा था, एक्चुअली उसको पैसे ही सुंदरता के मिलते हैं, टैलेंटेड तो वो साथ वाला सुदेश है। ना मेरे मैं नहीं मानता। क्यों? मैं भाई मेरे को तो कृष्णा हैंडसम लगता है, बहुत स्मार्ट, वो साथ में आता है मेरे को लगता है बेवकूफ एक नंबर का। उसको आते दो तीन सर जी बात पता क्या है, हेलो चक्कर मैं जीत के मैं बस यही आता। उसके साथ टैलेंटेड कोई है तो सिद्धार्थ जो उनको बचा रहे, मैं जानता हूँ सिद्धार्थ बड़ा बंदा बढ़िया है। ये इस बात से ना मैं भी सहमत हूँ, सिद्धार्थ सागर इस वक्त बहुत लकी मैन है,
देखो छोटी सी उम्र में बॉम्बे आ गया और छोटी सी उम्र में वो वापस चला जाएगा, मेरे को पता है। नहीं नहीं नहीं, उठो उठो, शाबाश, ये लो अपनी गाड़ी सीधी रखो। देखो पता क्या है, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं इसलिए कर रहा हूँ अगर ऐसे गलती हो जाए ना, कई लोग गाड़ियाँ उल्टा देते, ऐसी रहो और बार बार लाश को मत मारो यार, आराम से करो। क्या बार बार लाश काय को बोलता है उसको? ओ मैं वैसे मैं याद कर रहा हूँ, वो कौन सी जिंदा है बेचारी, उसको क्या पता चल रहा क्या बोल रहे हो? अरे फोन बज रहा है किसी का, फोन मेरा बज रहा है, आवाज पता क्यों आ रही है? हाँ वाइब्रेशन पे है ना। क्या लिखा यार, किसका है? कुछ बोलती कौन नहीं पड़ती, ओ सोहेल साहब का। बात रहने दे। अरे नहीं बात बोल देंगे, सो रहे। अरे पागल है, उठा ना साहब है तेरा। क्या है यार? हेलो सर। हाँ जी सर। सर वो मैंने मिस कॉल दी थी, और विपुल जी का फोन आया था, कहते 20 किलो चावल चाहिए। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा हम तो बिरयानी बनाते हैं। कहते बकरे हमने बहुत फंसा के रखे हैं, हमें सिर्फ चावल दे दो, बिरयानी खुद बना लेंगे। माइंड ब्लोइंग का फोन है। हेलो। ये क्या? अरे यार क्या है, सामने से कोई पंच नहीं बोलती, साले डायलॉग बोल के क्या को खराब करने का फिर? मैं बहुत दुखी हूँ, या तो तू आज मुझे मेरे दांत दे दे, नहीं मैं तेरी नौकरी छोड़ रहा हूँ। भाई इसने कब तक तेरे डंडे भरोसे मैं अपने दांत देता रहूंगा तेरे को? बकवास, इसने मेरे को इतना दुखी करा है, बहुत ज्यादा, हर वक्त मेरे दांत लगा के बैठ तेरे तेरे को। हेलो, आज तेरी हेलो, आज तू हाथ, हेलो एक मिनट, हेलो, हाँ माइंड ब्लोइंग। अरे कितना बढ़िया कर रहे यार तीनों, उनको नंबर दो, खत्म करो अभी, क्या सुबह 5 बजे ने, अभी डिनर टाइम पे आपने जितना बोला था सब उन्होंने ट्रक में खाना भर लिया, उधर परमीत जी ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं यार, जल्दी दो 10-10 और खत्म करिए। ओके मैडम, ओके बाय। लाश किसका बोल रहे हैं आप? आपको थोड़ी बोल रहा हूँ, अरे आपको थोड़ी बोल रहा हूँ, लड़की बैठी उसको बोल रहा था मैं।